आज हम आप लोगों के सामने क्लास 12 चैप्टर 2 लीनियर कोरिलेशंस के बारे में स्टूडेंट्स बात करेंगे। आज हम ये देखेंगे कि कोरिलेशंस फाइंड करने के कौन कौन से मेथड होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप लोगों को जो मेथड दी गई है मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मेथड ऑफ स्टडिंग कोरिलेशंस मेथड, तो आप लोगों को पता होगा स्टूडेंट्स कोरिलेशंस को हिंदी में हम सहसंबंधा कहते हैं, ठीक है, जिसे हम आज से इंट्रोड्यूस करते हैं और इस चैप्टर के अंदर हमें आरई फाइंड करना है, जिसमें हमारी मेथड होती है फर्स्ट स्कैटर डायग्राम मेथड, सेकंड हमारी होती है स्टूडेंट्स कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट्स मेथड, एंड थर्ड आपकी होती है स्टूडेंट्स स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशंस मेथड, जिसमें से हम आपको आज फर्स्ट सेकेंड मेथड जो आपकी है कार्ल पियर्सन्स मेथड वो एक्सप्लेन करने वाले हैं। जरा ध्यान से देखिएगा वीडियो। चलिए, जैसे कि अब हमें पता होना चाहिए कि कार्ल पियर्सन में भी आपके पास कौन कौन से फॉर्मूले हैं और आपको कौन कौन से फॉर्मूले कब यूज करने हैं। जैसे कि इफ एक्स बार एंड वाई बार आर इंटीजर्स, जब एक्स बार और वाई बार आपको इंटीजर्स दिए गए होते हैं तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स फर्स्ट फॉर्मूला यूज करना है। मीन्स इंटीजर्स क्या होता है, जैसे एक्स बार की वैल्यू जो है 140 दी गई है या 148 दी, मीन्स पॉइंट में नहीं दी गई है, तब हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला फाइंड करते हैं। फॉर्मूला हमारा आर मीन्स सहसंबंध, जिसे कोरिलेशन कहते हैं स्टूडेंट्स, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वार वाई बार अपॉन सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर जो रूट में दिया गया है आपका, और सेकेंड है मल्टीप्लाई करके रूट में वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, ये आपको फॉर्मूला दिया गया है। चलिए स्टूडेंट्स इसके एग्जाम्पल हम एक्सप्लेन करते हैं। स्टडी मतलब सक्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ एकेडमी। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हाइट ऑफ फादर सेंटीमीटर्स में दी गई है, उसके बाद हाइट ऑफ सन आपको वाई दिया गया है जो भी आपको सेंटीमीटर में दिया गया है। अब हमें ये देखना है स्टूडेंट्स कि हमें यहाँ पर कार्ल पियर्सन की मेथड ही की यूज करनी है, बिकॉज वहां पे आपको दिया गया कि आपको फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स कार्ल पियर्सन, एंड उसके बाद में हमें ये पता होना चाहिए कि कार्ल पियर्सन में आपको कौन सा फॉर्मूला यूज होता है। तो मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि जब आपको इंटीजर्स जो होते हैं वो इंटीजर्स दिए होते हैं एक्स बार वाई बार के फोर्सन में, तो हमें क्या करना होता है स्टूडेंट्स फर्स्ट फॉर्मूला यूज करना होता है। चलिए कैसे करते हैं देखिए, हमें सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट्स एक्स बार का टोटल करना है, ठीक है, तो हमारा सिग्मा एक्स इज इक्वल टू आ गया स्टूडेंट्स 1169, ओके, एंड वाई का हम टोटल करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारा वाई का टोटल आ जाएगा 1176। अब टोटल करने के बाद हमें इससे क्या करना है स्टूडेंट एन से डिवाइड करना है, एन मीन्स होता है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हमें निकालना है एक्स बार, तो एक्स बार निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन, ओके स्टूडेंट्स, तो 1169 डिवाइडेड बाय 7, सो आप लोगों का आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 167, ओके, तो आपका यहाँ पे अभी आ गया है एक्स बार। अब हमें निकालना है स्टूडेंट्स वाई बार, ठीक है, तो वाई बार भी हम निकाल देंगे, वाई बार के लिए भी हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे सिग्मा वाई बार अपॉन एन, तो 1176 अपॉन 7, ठीक है, डिवाइड कर दिया स्टूडेंट्स तो हमारा आ जाएगा 168, ओके, क्या है स्टूडेंट्स 168। अब देखिए यहाँ पे एक्स बार कितना है आपका, तो यहाँ पे हमें लिख लेना है एक्स बार जो है आपका आया था 167, ओके, एंड वाई बार आपका स्टूडेंट्स आया है 168। चलिए आगे क्या करना है ध्यान से देखिए, एक्स माइनस एक्स बार, एक्स माइनस एक्स बार, देखिए ये आपका एक्स है और एक्स बार इसमें से क्या करना है हमें माइनस करना है, मीन्स 170 में से हमें 167 क्या करना है स्टूडेंट्स माइनस करना है, ठीक है। चलिए तो हम क्या करेंगे 3, अब उसके बाद भी हमें क्या करना है स्टूडेंट्स कि हमें 1/1 माइनस नहीं करना है, यहाँ देखना है कि जो आपका डिफरेंस है, देखिए 1/1 का डिफरेंस आ रहा है तो हमें इसमें क्या करना है 1/1 कम कर देना है, 3 के बाद आपका क्या आता है 2, 2 के बाद आपका क्या हो जाएगा 1, 1 के बाद 0, माइनस 1, माइनस 2 एंड माइनस 3, ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका टोटल आ जाएगा स्टूडेंट्स 0, बिकॉज 3, 2, 5, 5, 1, 6, प्लस का 6 माइनस का 6 तो माइनस प्लस माइनस, तो आपका 0 आ जाएगा। उसी बेस पे हमें क्या निकालना है y माइनस वाई बार, तो y बार आपका दिया 168, तो देखिए y माइनस वाई बार तो y आपका ये हो गया और y बार ये हो गया, तो 172 में से आपको 168 माइनस करना है,
ठीक है, तो आप लोगों का स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए जो डिफरेंस है आपका अलग अलग है, अंतर जो है आपका अलग अलग है, तो हमें क्या करना, 168 में से 168 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 0 हो जाएगा। 170 में से 168 गया तो आपका यहाँ पे 2 हो गया स्टूडेंट। 168 में से 168 जाएगा तो अगेन टाइम आपका 0 आ जाएगा। उसके बाद 165 में से 168 गया तो माइनस का 3। ओके स्टूडेंट्स, 167 में से 168 गया तो माइनस का 1। एंड उसके बाद 166 में से 168 गया तो माइनस का 2। यहां पर भी आप देखोगे, देखो 4, 2, 6 में 6 गया तो यहां पर भी आपका क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 0 आ जाएगा। अब हमें x माइनस एक्स बार एंड y माइनस वाई बार इंटू करना, मीन मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम क्या करेंगे, x माइनस एक्स बार को y माइनस वाई बार से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3, 4 जा 12। ओके स्टूडेंट्स, 2 को 0 से करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। 1, 2 जा 2, 0 को 0 से किया 0। देखिए 1, 3 जा माइनस माइनस है तो आपका प्लस में 3 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, 2 को माइनस 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, 3, 2 जा 6 आ जाएगा। अब क्या करना है, इसे हमें इसका टोटल कर लेना है स्टूडेंट्स। तो देखिए 12 टू 14, 14 थ्री 17, 17 टू 19, 19 और 6 आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स 25। यहाँ राइट करना है आपको 25। उसके बाद हमें निकालना है x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, मीन्स x माइनस एक्स बार का हमें क्या करना है, होल स्क्वायर निकालना, मतलब 3 का होल स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे 9 लिख देंगे। उसके बाद 2 का होल स्क्वायर आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स 4 आ जाएगा। 1 का होल स्क्वायर 1, 0 का 0, माइनस 1 का भी 1 आएगा, 2 का 4 एंड 3 का आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स 9। अब यहाँ पे आप टोटल करोगे, देखो 9 और 4 13 14 14 15 15 और आपका 13, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट्स 28। ओके, यहाँ पे आपका हो गया 28। अब हमें निकालना है स्टूडेंट्स y माइनस y बार। तो देखिए y माइनस y बार का मीन्स इसका आपको क्या करना है, स्क्वायर निकालना होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसे 4 का स्क्वायर आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स 16, 0 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 0, 2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स 4, 0 का 0, 3 का 9, 1 का 1 एंड 2 का आपका हो जाएगा स्टूडेंट 4 हो जाएगा। चलिए इसका टोटल कर लेते हैं, 16, 4, 20, 29, 30 एंड 34। तो स्टूडेंट्स हमारा आ गया यहाँ पे 34। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया है उसमें हमें इसको क्या कर देना है, प्लॉट कर देना है। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, सिग्मा x माइनस एक्स बार एंड y माइनस वाई बार। तो देखिए x माइनस एक्स बार एंड y माइनस वाई बार आपको यहाँ पे दे दिया स्टूडेंट्स 25। यहाँ पे हम राइट करेंगे स्टूडेंट्स 25। उसके बाद फॉर्मूले में है, रूट में है, देखिए ठीक है, रूट में है x माइनस एक्स बार इंटू सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। तो देखिए कौन सा ये चीज आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि x माइनस एक्स बार आपका कितना आया हुआ है। तो यहाँ देखोगे आप कि x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है, तो इसको हम रूट में राइट करेंगे, रूट में आपका आ जाएगा 28 स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई। उसके बाद आपका है वाई माइनस वाई का वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। तो देखिए कितना है आपका वो स्टूडेंट्स 34, तो यहाँ पे राइट कर लीजिए 34। अब हमें क्या करना है 28 को 34 से आप क्या करना है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा स्टूडेंट रूट में 952। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, 952 को रूट क्या करनी है, बाहर निकालनी है। ठीक है, तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 25। ये तो है ही आपका, इसको रूट से आपको बाहर निकालना है तो 30.85 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो 25 को 30.85 से हम डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारा आ जाएगा 0.81। और आप लोगों को एक और बात याद रखनी है स्टूडेंट्स, कभी भी जो आपका सहसंबंधक है कोरिलेशन से, इसका जो वैल्यू होती है माइनस वन से लेके वन के बीच में आती है।